नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला घर और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अरिहंत साउथ विंग सेक्टर 41 फरीदाबाद हरियाणा के ये 4 BHK अपार्टमेंट्स। वेल, इस सोसाइटी में आपको दो टावर्स मिलते हैं, टावर ए एंड टावर बी। कंबाइन करके दोनों में 70 यूनिट्स हैं एंड द ग्राउंड फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द क्लब हाउस। यहाँ पर कई सारी अमेनिटीज हैं, यू विल फॉर द सीन द वीडियो। आइए सबसे पहले आपको आपका घर दिखाती हूँ। घर में एंटर करते ही सबसे पहले हम आते हैं इस वाइड फॉयर एंट्रेंस में जो कि 5 feet वाइड है एंड एंटर करते ही ये काफ़ी एलिगेंट फील्स देता है। आगे बढ़ते हैं हम इस लिविंग एरिया में जो बना हुआ है 12x18 feet में। सामने की तरफ आपको एक फ्री वॉल मिल जाती है जहाँ पर आपको वॉल डेकोर प्रोवाइड किया जाएगा एंड आप यहाँ पर एक बड़ा सा स्मार्ट TV लगा कर अपनी फेवरेट मूवीज एंड सीरियल्स देख सकते हैं। इस लिविंग एरिया में आप आराम से लगा सकते हैं 7 to 8 seater काउच विद सेंटर टेबल एंड सम डायनेमिक एस्थेटिक शो पीसेस। कॉर्नर वाली साइड पे आप या तो लैम्प शेड्स लगा सकते हैं और यू कैन अरेंज सम फ्लावर वासेस। वॉलपेपर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसकी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे की तरफ आपको मिलती है एक बड़ी सी बालकनी। ये है डाइनिंग एरिया से अटैच्ड पाउडर रूम जिसे आपके गेस्ट इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, दे कैन हैव इजी एक्सेस टू इट। यहाँ पर आपको वैनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी प्लस ये सारी खूबसूरत सी बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। इस पर्टिकुलर सैनिटरी के ऊपर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है फॉर द टॉयलेट ट्रीज एंड आप यहाँ पर बड़ा सा मिरर भी लगवा सकते हैं। ओवरऑल ये जो वॉशरूम है और यू कैन से इट पाउडर रूम, ये दिखने में काफ़ी क्लासी लग रहा है बिकॉज ऑफ द वॉल टू वॉल टाइल्स। लिविंग एरिया से आगे बढ़ते ही हम आते हैं इस डाइनिंग एरिया में जो बना हुआ है 16x11 feet में एंड आप यहाँ पर इजिली 6 to 8 seater डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हैं जहाँ पर आप और आपकी फैमिली बैठकर ऑफ कोर्स अपनी फेवरेट मील्स भी इंजॉय करेंगी। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे जस्ट कनेक्टेड द लाउंज एरिया। वेल, यहाँ पर आप आराम से एल शेप्ड 6 to 8 seater काउच विद सेंटर टेबल लगाकर अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, TV देख सकते हैं, स्पीकर्स पे म्यूजिक सुन सकते हैं एंड फैमिली के साथ एक्टिविटीज़ करने की कमी कहाँ है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड किचन। ये है 12x8.5 feet पे बना हुआ इस घर का ओपन किचन जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करता है टू द सर्वेंट रूम एंड द बालकनी। ऑफकोर्स यूटिलिटी बालकनी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, दैट इज द ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म, सो दैट आप अपना काम डिवाइड कर सकें इजीली एंड इस किचन में काफ़ी सारे लोग एट अ टाइम काम कर सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी स्पेशियस है। पीछे की तरफ आपको एक डेडिकेटेड एरिया मिल जाता है फॉर द डिश वॉशिंग पर्पज, साथ ही यहाँ पर आपको कुकिंग वाला एरिया मिल जाता है विद द चिमनी स्पेस, साथ ही आपको यहाँ पर स्टोरेज एरिया एंड मॉड्यूलर किचन भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर आपको बेकिंग वाला स्पेस मिल जाता है, अवन एंड माइक्रोवेव भी आप यहाँ पर इजीली लगवा सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर मिलती है एक बड़ी सी विंडोज दैट जब यहाँ पर मल्टीपल लोग काम करें तो किसी को भी सफोकेशन फील ना हो एंड एवरीबॉडी शुड फील फ्रेश। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड यूटिलिटी बालकनी जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन लगा कर लॉन्ड्री का काम भी कर सकते हैं। ये है किचन से अटैच्ड यूटिलिटी बालकनी जो आपको कनेक्ट करती है टू द डाइनिंग एरिया ऑल्सो। आप यहाँ पर चेयर्स एंड आर्टिफिशियल ग्रास लगाकर अपना इंतजाम कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से चिल कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम दिखाने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा और नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। आइए अब मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। यह है आपके घर का मास्टर बेडरूम जो बना हुआ है 15x13 feet में। बेसिकली आप यहाँ पर लगा सकते हैं एक बड़ा सा किंग साइज बेड विद साइड टेबल्स एंड सम ब्यूटीफुल एस्थेटिक शो पीसेज एंड आप यहाँ पर अपनी फैमिली कोलाज भी लगा सकते हैं। साथ ही सामने की तरफ आपको एक फ्री वॉल मिल जाती है जहाँ पर आपको ये खूबसूरत सा अरेंजमेंट मिल जाता है। नीचे की तरफ आप कैबिनेट्स लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ आप एक बड़ा सा स्मार्ट TV लगाकर अपने फेवरेट वेब शोज एंजॉय कर सकते हैं रूम में बैठे बैठे ही। अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया जहाँ पर आप मल्टीपल वार्डरोब आराम से कंपोज करा सकते हैं, फुल साइज मिरर लगा के अपना आउटफिट भी वॉच आउट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड वॉशरूम। यह है मास्टर बेडरूम से अटैच्ड मास्टर वॉशरूम जो बना हुआ है 8x10.5 feet में। यहाँ पर आपको बढ़िया क्वालिटी की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज प्रोवाइड की जाएंगी, आपको डुअल वॉश बेसिन यहाँ पर मिल जाता है, उसी के हिसाब से आप अपना बड़ा छोटा मिरर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। वेल, साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाती है एक बड़ी सी विंडो फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन पर्पज़।
सामने की तरफ आप यहाँ पर कुछ इस तरह कैबिनेट्स कंपोज कर सकते हैं सो दैट इजिली आप यहाँ पर अपना एसेंशियल आइटम भी रख सकें। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है अटैच्ड शावर एरिया बड़ा सा, जो कि आप टफन ग्लास से सेपरेट भी करा सकते हैं। ओवरऑल ये वॉशरूम देखने में काफी एलिगेंट लग रहा है। ये है आपके घर का सेकेंड बेडरूम जो बना हुआ है 14x11 फीट्स में। यहाँ पर आप आराम से लगा सकते हैं एक किंग साइज बेड विद साइड टेबल्स एंड सम ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स एंड पेंटिंग्स एज वेल। वेल वॉलपेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सामने की तरफ आप टीवी भी लगा सकते हैं सो दैट जो भी बेडरूम में हो वो आराम से अपना मी टाइम एंजॉय कर सके। साथ ही आपको यहाँ पर मिलता है एक अटैच्ड वॉशरूम। ये है सेकेंड बेडरूम से अटैच वॉशरूम जो बना हुआ है 7.5x5 फीट्स में। यहाँ पर आपको डुअल टोन की वॉल टाइल्स मिल जाती हैं जो देखने में इस वॉशरूम को काफी क्लासी बनाती हैं। साथ ही आपको यहाँ मिलता है एक शावर एरिया सेपरेटेड विद अ टफन ग्लास एंड अ विंडो फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। प्लस इस वॉशरूम में आपको मिलती है बढ़िया क्वालिटी की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज। प्लस आप यहाँ पर लगवा सकते हैं एक बड़ा सा मिरर फॉर अ क्लासियर लुक। ये है आपके घर का थर्ड बेडरूम जो बना हुआ है 14x12 फीट्स में। इसे आप एज अ पेरेंट्स रूम या फिर एज अ किड्स रूम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लगा सकते हैं एक क्वीन साइज बेड विद हेडबोर्ड्स एंड साइड टेबल्स विद सम एस्थेटिक यू नो शेड्स एंड सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एज वेल। सामने की तरफ आप एंटरटेनमेंट यूनिट कंपोज कर सकते हैं विद दीज कैबिनेट्स एंड ऊपर की तरफ एक स्मार्ट टीवी लगाकर अपनी फेवरेट मूवीज एंड क्रिकेट मैचेस भी इजिली एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे अटैच्ड ड्रेसिंग एरिया एंड द वॉशरूम। बेसिकली ड्रेसिंग एरिया में आपको मल्टीपल वार्डरोब कंपोज करने का स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप अपने कैजुअल व्यूअर्स या पार्टी व्यूअर्स आराम से हैंग कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये ड्रेसिंग एरिया को कनेक्ट करता है टू द बालकनी जो आपको बाकी रूम्स का एक्सेस भी देती है, फॉर एग्जाम्पल दी मास्टर बेडरूम। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड वॉशरूम। ये वॉशरूम बना हुआ है 7x4.5 फीट में। यहाँ पर आपको प्रॉपर वैनिटी प्रोवाइड की जाएगी विद द स्टोरेज एरियाज एंड आपको बढ़िया क्वालिटी की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज भी प्रोवाइड की जाती है। इस पर्टिकुलर सैनिटरी के ऊपर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे आप टॉयलेट्रीज या फिर अपने एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं आराम से। एंड आपको यहाँ पर एक विंडो भी मिल जाती है फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन पर्पस। बात की जाए शावर स्पेस की तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। इसे ट्रफन ग्लास से सेपरेट किया गया है। प्लस इस वॉशरूम को लुक वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी क्लासी लगता है बिकॉज ऑफ दी शाइनी वॉल टू वॉल टाइल्स। ये है ड्रेसिंग एरिया से अटैच्ड बालकनी जो लेंथ वाइज काफी बड़ी है एंड यहाँ पर आप इजीली गार्डन चेयर्स लगाकर या फिर आउटडोर प्लांट्स लगाकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ पर अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकते हैं, यू कैन लिसन टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक्स एंड बेसिकली आप यहाँ पर चिल कर सकते हैं। यह है आपके घर का फोर्थ बेडरूम और यू कैन यूज इट एज अ गेस्ट बेडरूम ऑल्सो। ये बना हुआ है 13x11 फीट्स में एंड आप यहाँ पर लगा सकते हैं बड़ा सा हेडबोर्ड विद किंग साइज बेड। साथ ही आपको यहाँ पर साइड टेबल रखने की भी आराम से जगह मिल जाती है। वेल, इस रूम को आप देख सकते हैं कैसे मोनोक्रोम टोन्स में बैलेंस करके मेंटेन किया गया है। आप भी इससे कुछ इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स ले सकते हैं। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड बालकनी। ये है फोर्थ बेडरूम से अटैच्ड बालकनी जो फर्दर कनेक्ट करती है आपको लिविंग एरिया से भी, देन आपको कनेक्ट करती है ये सेकेंड बेडरूम से भी एंड देन फर्दर मूविंग ऑन ये आपको थर्ड बेडरूम से भी कनेक्ट करती है। तो ये लेंथ वाइज काफ़ी बड़ी सी बालकनी है। आप यहाँ पर अपनी अरेंजमेंट आराम से कर सकते हैं। यू कैन हैव योर डिनर, यू कैन हैव योर बारबेक्यू हियर अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप आराम से यहाँ पर चिल कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड वॉशरूम। ये है इस रूम से अटैच्ड वॉशरूम जो बना हुआ है 7.5x5 फीट में। यहाँ पर आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज प्रोवाइड की जाएंगी विद अ सेपरेटेड शावर एरिया सेपरेटेड विद अ टफन ग्लास ऑफ कोर्स। साथ ही आपको यहाँ पर मिलती है एक बड़ी सी विंडो फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन। ओवरऑल ये वॉशरूम देखने में काफ़ी एलिगेंट लग रहा है बिकॉज ऑफ द शाइनी वॉल टाइल्स जो कि टेक्सचर में काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। वेल, घर में एंटर करने के लेफ्ट हैंड साइड ये आपको मिलता है सर्वेंट रूम जो 6x9 फीट्स में बना हुआ है। यहाँ पर आप आराम से एक सिंगल बेड लगा सकते हैं अपने सर्वेंट के लिए एंड इससे अटैच आपको मिलता है एक सेपरेट वॉशरूम भी जो 4x5 फीट्स में बना हुआ है। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज प्रोवाइड की जाएंगी विद द विंडो फॉर क्रॉस वेंटिलेशन।
ऑल्सो फॉर योर कन्वीनियंस कि आपका जो सर्वेंट है वो आपके घर की प्राइवेसी हार्म ना करे, तो इसीलिए ये सर्वेंट रूम भी आपको कनेक्ट करता है टू द किचन डायरेक्टली। अरिहंत साउथ विंग सेक्टर 41 फरीदाबाद हरियाणा। यहाँ पर आपको कई सारी एमिनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसे कि पार्क, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस। साथ ही यहाँ से लगभग 3 मिनट की दूरी पर मेट्रो स्टेशन, लगभग 5 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल, स्कूल्स, 15 मिनट की दूरी पर रेलवे स्टेशन और आधे घंटे की दूरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाइएगा। मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही किसी शानदार घर के साथ। देखते रहें पहला घर।